Welcome to the Balaji Study Group. This is Vinay Pathak. Today we will discuss the topic that is called prism. Prism हमारा रे ऑप्टिक्स का टॉपिक है. रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट 12th क्लास की फिजिक्स का टॉपिक है. आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होता है, दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पहला टॉपिक है हमारा. देन हम लोग डिस्कस करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन. देन हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन अ प्रिज्म. पहला मैं आपको टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म. तो पहले हम लोग आते हैं फिगर में. ये आप देखो फिगर हमारा जो है, इस पे एक आपको प्रिज्म दिख रहा होगा. ये ट्रायंगल के शेप का है, ये प्रिज्म है. इसका नाम हम लोग दे देते हैं ए बी सी. ये एक मेरा प्रिज्म है. ये एक सरफेस है, आपको दिख रही होंगे सरफेस ए बी, ए सी और बी सी. हम लोग को लाइट पास कराना है और इसके थ्रू रिफ्रैक्शन देखना है. सपोज ये एक मेरी सरफेस है और पी क्यू मेरी एक इंसिडेंट लाइन है. तो जब पी क्यू लाइन इंसिडेंट होगी तो अकॉर्डिंग टू द रिफ्रैक्शन रूल ये रिफ्रैक्ट होगी, इस सरफेस से रिफ्रैक्ट होगी. तो रिफ्रैक्शन के लिए हमको नॉर्मल की ज़रूरत पड़ती है, वो नॉर्मल है OM. OM क्या है मेरा, एक नॉर्मल है. यहाँ पे जो मेरा मीडियम है वो रेयरर मीडियम है. ऑब्वियस बात है ये ग्लास है तो ये डेंसर मीडियम हो जाएगा. तो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2. ये जो पी क्यू रे है इस रे को ऐसे जाना चाहिए. सपोज़ मैं इसको नाम दे देता हूँ S. तो इस रे को ऐसे जाना चाहिए लेकिन इस प्रिज्म के कारण ये रिफ्रैक्ट हो रही है, दैट इज़ ये क्यू आर डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट हो रही है. इसका जो रिफ्रैक्शन है वो क्यू आर डायरेक्शन में है. वो रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है मैं आपको बता दूं. इसमें क्या हो रहा है, लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है. तो जब भी कोई लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो इट इज़ बेंट टूवर्ड्स नॉर्मल. ये देखो ये हमारा नॉर्मल है OM की तरफ झुक रही है. ये इट इज़ बेंट टूवर्ड्स नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ ये झुक जाएगी. और हमारा जो एक एंगल बनेगा I, दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. मैं आप लिख देता हूँ I है मेरा इंसिडेंट एंगल. ये हमेशा एंगल हमारी इंसिडेंट रे और ऑफ नॉर्मल के बीच में ही बनेगा, कभी भी सरफेस से एंगल नहीं बनता है. ये एंगल कहलाएगा रिफ्रैक्टेड एंगल. तो R1 को बोलते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल, इट इज़ अ R1. ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं. तो ये रे अब यहाँ पे आ चुकी है. यहाँ से रे फिर कहाँ जाएगी, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में. तो ये है एंगल R2, ये भी क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टेड एंगल. एंगल ऑफ R2 दैट इज़ ऑल्सो अ रिफ्रैक्टेड एंगल. यहाँ पे रे हमारी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी, मतलब ग्लास से एयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी. मतलब इस रे को ऐसे यहाँ जाना चाहिए. ये मेरा ON नॉर्मल है तो ये नॉर्मल से देखिए दूर हट रही है ना. दैट इज़ ये जा रही है RS डायरेक्शन में ऐसी. तो ये कहलाएगी मेरी इमर्जेंट रे और ये E कहलाएगा इमर्जेंट एंगल. तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ E इज़ इक्वल टू इमर्जेंट एंगल. नाउ ये हुआ टोटल डिस्क्रिप्शन. पी क्यू इंसिडेंट रे है, क्यू आर रिफ्रैक्टेड रे है, RS इमर्जेंट रे है, I मेरा इंसिडेंट एंगल है, R1 और R2 रिफ्रैक्टेड एंगल है, E मेरा इमर्जेंट एंगल है.
अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसमें हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है। मेनली ये इसका इस प्रिज्म है, इसका एंगल है ए। इसमें आप लोग देख रहे हैं एक जो इंसिडेंट लाइन है, इस लाइन में और इमर्जेंट लाइन में कुछ डिग्री का एंगल बन रहा है, दैट इज कॉल्ड डेल, एंगल ऑफ डेविएशन। इट इज अ एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब हमारी इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे या इमर्जेंट रे के बीच में थोड़ा सा एंगल है, मतलब इसको यहाँ जाना चाहिए लेकिन ये जा रही है यहाँ, मतलब कुछ एंगल से ये डेविएटेड है, मतलब अपने पाथ से ये डेविएटेड है। इस चीज़ को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें एंगल ऑफ डेविएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमारा मेन मोटो यही है कि हम लोग इसमें ये सारे के सारे एंगल्स हैं इनका रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, है ना। प्रिज्म एंगल ए फाइंड आउट करेंगे और लास्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेट अस सी। तो सबसे पहले आप देखो कि आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा, क्यू ए आर ओ, एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, क्यू यू ए डी, क्वाड्रिलेटरल हमको दिख रहा है, क्यू ओ ए आर, ये मेरा क्वाड्रिलेटरल है। आप लोग को सबको पता है कि क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट्स एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। तो ये देखो, ये आपस में अपोजिट एंगल है Q और R, और ये मेरे अपोजिट एंगल है O और A। ये तो हमारा नॉर्मल है, तो ये 90 डिग्री बनाएगा, ये भी 90 बनाएगा, तो ये तो 180 कंफर्म हो गए। अब यहाँ देखो, एंगल ऑफ A प्लस एंगल Q, ये एंगल है Q ओ आर इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री। नाउ इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड, हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको क्यू ओ आर। सो इन ट्रायंगल क्यू ओ आर, तो सम ऑफ ऑल दी एंगल्स इन अ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इनका सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। दैट इज एंगल आर वन प्लस एंगल आर टू प्लस एंगल क्यू ओ आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। इट इज़ अ इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर हम अपन इसको इक्वेट कर देते हैं तो क्या होगा, ये भी 180, ये भी 180। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट व्हाट, एंगल ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ क्यू ओ आर इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर वन प्लस एंगल ऑफ आर टू प्लस एंगल ऑफ क्यू ओ आर। ये देखो, आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। मेरे पास आ चुका है एंगल ऑफ ए इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर वन प्लस एंगल ऑफ आर टू। दिस इज अ वन रिलेशन फॉर एंगल्स, इट इज इक्वेशन नंबर थ्री। नाउ चलो अब देखते हैं, हमारे पास एक रिजल्ट आ चुका है, नेक्स्ट रिजल्ट का हम लोग कंडीशन देखते हैं। अब आप देखो, ये एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको Q, R और S। इसमें जो डेल है ये एक्सटीरियर एंगल है, एक ऐसा एंगल है एक्सटीरियर एंगल है, है ना। और हमारे पास एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। तो आप लोग ध्यान से देखना, अगर टोटल एंगल मेरा I है, टोटल एंगल अगर मेरा I है और ये R1 है, तो ये पक्का कितना होगा, I माइनस R1। ये कन्फर्म है ना, टोटल में से इस वाले को हटा दो तो ऑब्वियस बात है ये वाला आ जाएगा। अब ये वाले एंगल को देखते हैं, अगर टोटल E है और ये R2 है तो ये क्या हो जाएगा, E माइनस R2। जिस किसी को नहीं समझ में है तो ऐसा समझो कि इसको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, दिस इज़ द वर्टिकल अपोजिट एंगल। अगर ये एंगल I है तो पक्का ये भी I होगा, अगर यहाँ पे कोई एंगल बना रहा है तो ऑब्वियस ये बात है ये वाला एंगल क्या होगा, आई माइनस आर। ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है।
नाउ डिस्कस करते हैं. तो फ्रॉम ट्रायंगल क्यू एस आर इट इज व्हाट डेल इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल. इट इज आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू. सो डेल इज इक्वल टू हो जाएगा आई प्लस ई माइनस ऑफ आर वन प्लस आर टू. इट इज इक्वेशन नंबर फोर्थ. इट इज इम्पोर्टेंट रिलेशन फॉर अस. ये किसके लिए हमारे पास रिलेशन आ चुका है? एंगल ऑफ डेविएशन के लिए. नाउ अभी हमने एंगल ए फाइंड आउट किया है, आर वन और आर टू का रिलेशन हमारे पास है, डेल फाइंड आउट किया है आई प्लस सी माइनस आर वन प्लस आर टू. ये इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन. नाउ अब डिस्कस करते हैं, हम लोग को एक्चुअली में मेनली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है प्रिज्म के लिए, है ना. आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थ्रू अ प्रिज्म. आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको आप लोग लिख सकते हो, है ना. इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ. हम लोग को इसमें ज़रूरत पड़ेगी केवल और केवल इस वाले पॉइंट की, बाकी सब हटा देते हैं. ये हमारे लिए अभी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बाकी आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया है. अब आपके एनसीईआरटी बुक में छोटा सा ग्राफ बना हुआ है, इसका क्या मतलब है मैं आपको बता दूं. ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बना होगा, दिस वन. ये ग्राफ ये बताता है कि जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है वो मिनिमम होगा व्हेन आई इज इक्वल टू ई हो. मेरे हिसाब से मैं आपको इसको प्रैक्टिकली समझा सकता हूँ, मैं आपको बताता हूँ इसका मीन्स क्या है. अच्छा आप यहाँ पे ये देखो, अगर ये जो इमर्जेंट एंगल है इसको उठा के ऊपर लाया जाए, है ना, अगर ये उठा के ऐसे जाने लगे, मतलब मेरा जो एंगल ऑफ आई है ई के इक्वल हो जाएगा, या इसके पास अगर ये जाने की कोशिश करेगा. आप अल्टीमेटली ये समझो कि आई और ई अगर आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हमारा डेविएशन क्या होगा? ऑब्वियस होता मिनिमम होगा, हमारा डेविएशन होगा ही नहीं अगर आई और ई होगा. तो अल्टीमेटली वो ये ग्राफ यही समझाने वाला है कि हमारा आई और ई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट हो जाए तो ऑब्वियस बात है ये क्या हो जाएगा, मिनिमम डेविएशन देगा. मतलब जो हमारा डेविएशन है वो मिनिमम हो जाएगा. नाउ यही कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फोर्थ, इक्वेशन फोर्थ देख लेते हैं, है ना. डेल की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, डेल मिनिमम एंड आई इज इक्वल टू लिखेंगे ई. सो डेल मिनिमम इक्वल्स टू आई प्लस I माइनस ऑफ आर वन प्लस आर टू. नाउ इसके लिए और डिस्कस करते हैं हम लोग कि आर वन प्लस आर टू एक्चुअली में है क्या. तो यहाँ से देखो आप, आर वन प्लस आर टू क्या है, ए. तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डेल मिनिमम इज इक्वल टू टू आई माइनस इट इज़ द वैल्यू ऑफ आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू ए. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए. अगर मेरे को एंगल ए चाहिए या मेरे को आई फाइंड आउट करना है, मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करने वाला हूँ मेरे को आई चाहिए. तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आई, डेल मिनिमम इस साइड लाते हैं इसको, प्लस ए डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू आई. ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन आ चुका है, दैट इज़ कॉल्ड इंसिडेंट एंगल. नाउ अब हम डिस्कस करते हैं आर वन और आर टू के कंसर्न में और रिफ्रैक्टेड एंगल आर फाइंड आउट करते हैं. वैसे तो मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक रिलेशन के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा. अब मैं आपको ये वाला पोर्शन हटा देता हूँ, वैसे इसका कोई अब इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये हमने यहाँ पर लिख लिया है. आप देखो यहाँ पर अगर मैं स्नेल्स लगाता हूँ एट पॉइंट क्यू पे, स्नेल्स लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, म्यू वन साइन ऑफ आई इक्वल्स टू म्यू टू साइन ऑफ आर वन. अगर मैं आर पे क्या लगाता हूँ, स्नेल्स लॉ, तो क्या हो जाएगा, म्यू टू, ये इस साइड क्या है, म्यू टू साइन ऑफ आर टू इक्वल्स टू ऑब्वियस होता है म्यू वन होगा, म्यू वन साइन ऑफ ई.
और हमको पता है E किसके इक्वल है, E किसके इक्वल है, I के इक्वल है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ म्यू एन साइन ऑफ I। अब आप अगर ये क्वेश्चन नंबर A ले लेते हैं और इसको क्वेश्चन नंबर B ले लेते हैं, नाउ इसको हम लोग कंपेयर करें अगर, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये म्यू वन साइन आई आपस में इक्वेट हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा हमारा म्यू टू साइन आर वन इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर टू, ये आंसर आ चुका है हमारे पास, म्यू टू साइन ऑफ आर टू इज इक्वल टू म्यू टू साइन ऑफ आर वन, ये हमारे पास एक रिलेशन आ चुका है। अब आप यहाँ से देखो म्यू टू से म्यू टू हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, नाउ साइन ऑफ आर टू इज इक्वल टू साइन ऑफ आर वन। अब मैं आपको बता दूँ यहाँ से, वैसे मैं डायरेक्टली साइन से साइन कैंसिल आउट कर सकता हूँ और आर टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये आर वन, तो आप यहाँ पे देखो क्या हो गया, आर टू इज इक्वल टू आ गया मेरा आंसर आर वन। चलो इसको भी आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। नाउ ये देखो, अब हमारे पास जब ये आ चुका है तो ये सारी वैल्यूज हटा देते हैं, इनका कोई मीन्स नहीं है, फिर ये सब यूज़ करेंगे अब हम लोग लास्ट में, ठीक है। नाउ अब देखते हैं हमारे पास क्या चुका है, आर टू इज इक्वल टू आर वन, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड है ना, लेट अस आर वन इक्वल्स टू आर टू इज इक्वल टू आर, सो ए इक्वल्स टू व्हाट, आर वन प्लस आर टू, थर्ड में लिखा हुआ है, ए इज इक्वल टू व्हाट, आर प्लस आर, दैट इज ए इज इक्वल टू टू आर, देन आर इज इक्वल टू ए बाय टू, ये हमारे पास एक रिलेशन आ चुका है रिफ्रैक्टेड एंगल का, इट इज इक्वेशन नंबर आई थिंक फोर या फिफ्थ, इट इज फिफ्थ। नाउ अब आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाकी सारी वैल्यू हटा देता हूँ मैं है ना, हमने सब कुछ यूज़ कर लिया है तो ये सारी की सारी वैल्यू हम लोग हटा देते हैं। मैं आपको बता दूँ प्रिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस है ना। चलिए अब अगर हम लोग इसमें फार्मूला सब्स्टिट्यूट करना चाहें तो कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये देखिए है ना, हमारे पास फार्मूला है स्नेल्स लॉ के थ्रू, एन वन साइन ऑफ आई इज इक्वल टू एन टू, एन वन मतलब हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको हम लोग बोलेंगे म्यू वन साइन ऑफ आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन ऑफ आर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, म्यू वन साइन ऑफ आई, आई की वैल्यू क्या है मेरे पास, डेल मिनिमम प्लस ए अपॉन टू इक्वल्स टू म्यू टू हो जाएगा साइन ऑफ आर, साइन ऑफ आर, साइन ऑफ आर मीन्स साइन और आर की वैल्यू है ए बाय टू। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है म्यू टू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, तो ये क्या होगा ये देख लेते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, ये वाली वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, म्यू टू इक्वल्स टू म्यू वन साइन ऑफ डेल मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाय टू अपॉन साइन ऑफ ए बाय टू, ये मेरा आ चुका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थ्रू अ प्रिज्म, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला एंड वेरी मैजिकल फार्मूला, अगर आपको डेरिवेशन एग्जाम में आता है तो आपको ये सॉल्व करना है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए भी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं है ना। नाउ अब आप देखो अगर इसी को आपकी बुक्स में लिखा होगा तो ये म्यू वन म्यू टू की जगह उन्होंने म्यू लिखा होगा, कैसे लिखा होगा मैं आपको बताता हूँ, ये एयर है तो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है, म्यू वन इज इक्वल टू हो जाता है वन है ना, और हम लोग प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज म्यू टू को क्या मान लेंगे म्यू, तो हमारा ये फार्मूला अब कैसा बन जाएगा, अब ये हमारा फार्मूला बन जाएगा म्यू इक्वल्स टू म्यू, ये म्यू वन वन हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय टू अपॉन साइन ऑफ ए बाय टू, आप लोग की बुक्स में कुछ ऐसा रिलेशन दिया होगा, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थ्रू अ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म। नाउ ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एक बुक में आपके और फार्मूला दिया होगा मैं आपको वो डिस्क्राइब कर देता हूँ, पहले आप इसको लिख सकते हैं या इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं है ना। नाउ
अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर ये प्रिज्म हमारा बहुत ही थिन हो, मतलब पतले प्रिज्म के लिए, पतला प्रिज्म मतलब जब आपका एंगल क्या हो, लेस देन 10 डिग्री हो, है ना, ए लेस देन 10 डिग्री हो, मतलब आपका थिन बहुत ही पतला है या थिन है और आपका एंगल बहुत ही छोटा है, उस कंडीशन में है ना हम लोग मानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो ये हमारा साइन यहाँ से हट जाएगा तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, लिखना यहाँ पे फॉर थिन प्रिज्म है ना एंगल लेस देन 10 डिग्री, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू डेल मिन प्लस या डेल्टा मिनिमम अपॉन ए बाय टू अपॉन ए बाय टू, टू से टू गेट कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा म्यू ए इक्वल्स टू डेल्टा मिनिमम प्लस ए। नाउ इसको इस साइड लाते हैं, म्यू ए माइनस ए इक्वल्स टू डेल्टा मिन या एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम के लिए, तो डेल्टा मिन इज इक्वल टू हो जाएगा ए कॉमन ले लेते हैं म्यू माइनस वन, दैट इज ऑल्सो ए इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज फॉर व्हाट थिन प्रिज्म है ना, जब हमारा ए क्या हो लेस देन 10 डिग्री हो। तो अगर आपके न्यूमेरिकल्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि एंगल कम देते हैं उसके लिए ये फॉर्मूला यूटिलाइज करना, और जिसमें एंगल बड़ा हो उसमें आप लोग ये फॉर्मूला यूटिलाइज कर सकते हो। फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू है ना, CBSE एंड NP बोर्ड या एनी अदर बोर्ड जिनको डेरिवेशन करना है रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, उसके लिए फॉर्मूला ये है, डिपेंड करता है आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। तो दैट्स इट फॉर एंगल ऑफ डेविएशन रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म एंड इट इज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म। नाउ ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, आपको ऐसी ही शानदार वीडियो के लिए इस चैनल में बने रहना है और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहना है, हम लोग आपके सामने रिप्रेजेंट होते रहेंगे कंटिन्यू। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।